हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर एक स्क्वायर शेप में लिपन आर्ट बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्क्वायर शेप का लिपन आर्ट बनाना है तो आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से लिपन आर्ट बनाना सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको ये सिखा सकूं। हमें यहाँ पे एक MDF बोर्ड लेना है, उस पर आपको जैसे भी डिज़ाइन पसंद हो, जो भी आपको बनाना हो, आप उस पर पहले से ही पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये मोल्डेड क्ले लेंगे। क्ले को हम यहाँ पर फेविकोल के ऊपर पेस्ट करते जाएंगे। जैसी हमने डिज़ाइन बनाई हुई है उसके ऊपर हम क्ले को पेस्ट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे एक इस तरह की डिज़ाइन बनानी थी जो आसानी से बन जाए और देखने में भी बहुत सुंदर और बहुत प्यारी लगे। तो क्ले की मदद से मैंने ये डिज़ाइन बना के पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स, जब क्ले का वर्क आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्ले को छोड़ देते हैं कम से कम 2-3 आवर्स के लिए ड्राई होने के लिए। उसके बाद ही हम दूसरा कोड इस पर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्ले वर्क ड्राई हो गया है तो मैंने यहाँ पर एक्रेलिक वाइट कलर से पूरा कलर किया और पूरी आप डिजाइन को अच्छे से कलर कर दीजिए और एक कोड सूखने के बाद दूसरा कोड भी अप्लाई कर दीजिए। कलर सूखने के बाद फिर उस पर हम वार्निश अप्लाई कर देंगे। वार्निश करने से हमारा जो क्ले वर्क है, जो आर्ट वर्क है, वो सिक्योर हो जाएगा। धूल मिट्टी से हम उसे बचा पाएंगे। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स वार्निश ज़रूर अप्लाई करना है। वार्निश सूख जाने के बाद फिर हम यहाँ पर मिरर को पेस्ट करेंगे। आपने जैसे डिजाइन बनाया हो उस तरह का आप मिरर यहाँ पे पेस्ट करिए। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारा डिजाइन आपको बना के दिखाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और लिपन आर्ट आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस तरह की और भी आर्ट वर्क आपको देखना है तो
फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारा लिपन आर्ट बनाकर तैयार किया है। आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। लिपन आर्ट अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। फ्रेंड्स, आगे आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ज़रूर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आपको ये लिपन आर्ट वर्क कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है वो पढ़ के, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।